वन विभाग की तरफ से रेलवे की जगह में पेड़ लगाए जाने के मामले में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। चंगरी बबूर का एक पौधा 17,000 रुपए में लगाए जाने का बजट पास हुआ है। अपर जिला जज के निरीक्षण में इसका राज खुला है। मथुरा में रेलवे स्टेशनों के विस्तार के दौरान पेड़ कटने के बाद उच्च न्यायालय ने पुनः 3 स्टेशनों के पास पेड़ लगाने के आदेश वन विभाग को दिए। बबूल, नीम और शीशम के पेड़ स्टेशनों के आसपास लगाए जाने हैं, लेकिन डीएफओ ने बबूल के एक पेड़ की कीमत 17,000 रुपए का प्रस्ताव शासन को भेज दिया। अपर जिला जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि मथुरा, छटीकरा और गोवर्धन रेलवे स्टेशन का विस्तार होने पर 452 पेड़ काटे गए थे, उस जमीन पर अब 5,000 पेड़ लगाने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13/381/1984 MC मेहता वर्सेस भारत संघ में आदेश किया था कि मथुरा में छटीकरा रेलवे स्टेशन का जब निर्माण हो रहा था तो 452 पेड़ काटे गए थे। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 गुना से अधिक पेड़ लगाने का आदेश किया गया था, तो 5,000 वृक्ष लगाए जाने थे, जिसके लिए 4 हेक्टेयर भूमि रेलवे द्वारा दिया जाना था वन विभाग को इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए। तो अब उस दिन मैं गया, तो पिछली बार गया था तो एक सिपाही साथ में लगा दिया गया था। उस पर मैंने आपत्ति की कि वो सिपाही कुछ बता ही नहीं पा रहा था पूछने पर, तो चेतावनी देकर चला आया था। इस बार गया तो सिपाही के साथ एक रेंजर को लगाया गया था, रेंजर को भी कुछ नहीं मालूम था। उससे सबसे पहले मैंने पूछा कि पेड़ क्यों नहीं लगे हैं, तो उसने कहा बजट नहीं आया है। मेरे स्टाफ ने अवगत कराया कि 85 लाख का बजट आ चुका है, तब उसने कहा कि ज़मीन ऊसर है, सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी जमी हुई है। तो मैंने कहा ऊसर का सुधार भी हो सकता है, बगल में ही खेत में फसल लहला रही थी। तो वो उसने किसी रेंजर से बात कराया, उस रेंजर ने बताया कि पूरी कहानी बताई कि पहले छटीकरा रेलवे स्टेशन के पास मिला हुआ था 4 हेक्टेयर, उस पर जब हम पेड़ के लिए खुदाई करने लगे तो रेलवे सिग्नल और तार मिल गए, तब रेलवे वालों ने 3 भिन्न स्थानों पर 4.6 हेक्टेयर ज़मीन आवंटित की। छटीकरा रेलवे स्टेशन पर 2 हेक्टेयर, मथुरा रेलवे जंक्शन के सामने 2 हेक्टेयर और 0.6 हेक्टेयर गोवर्धन रेलवे स्टेशन के पीछे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने की अनुमति है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति पेड़ लगाने के लिए उसी का इंतजार हो रहा है अनुमति का। और ये CEC सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी होता है दिल्ली में, चाणक्यपुरी में इसकी ऑफिस है, वो अनुमति लेती है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पत्राचार किया गया, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली, इसीलिए पेड़ नहीं लगाए जा सके हैं। नहीं तो अब वही समझ लीजिए, 5,000 वृक्ष लगाए जाने हैं, 85 लाख का बजट इसके लिए आया है, तो एक पेड़ का 17,000, तो नीम, बबूल, शीशम इसी तरह के पेड़ लगने हैं, एक पेड़ का 17,000 ये कहीं से गले नहीं उतर रहा, व्यवहारिक भी प्रतीत नहीं हो रहा है। मैंने उनसे पूछा कि इस्टीमेट वगैरह कागज़, तो वो कुछ देने में असमर्थ रहे। फिर मैं वहाँ निर्देश देकर चला आया कि कल DFO से कहिए कि जो भी जानकार हो उसके साथ आए, सारे रिकॉर्ड के साथ। स्टेशन से 452 पेड़ काटे गए थे, लेकिन उच्च न्यायालय ने काटे गए पेड़ों से 10 गुना पेड़ लगाने के लिए कहा है। पेड़ लगाने के लिए भूमि भी आवंटित करा दी गई है। 17,000 रुपए पेड़ के हिसाब से 5,000 पेड़ का 85 लाख रुपए का बजट भी आ गया है, लेकिन अभी तक एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है। बबूल, शीशम और नीम के एक पेड़ की कीमत 17,000 रुपए है, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। निरीक्षण करने पहुंचे अपर जिला जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने DFO से जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। रेंजर से जानकारी करने पर पेड़ों की कीमत का पता चला है। पेड़ न लगाने के सवाल पर रेंजर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। कभी उसको बंजर जमीन बताकर बचने का प्रयास किया गया, तो कभी और कोई बहाना बनाया गया। फिर DFO ऑफिस से एक बाबू वहां का आया हुआ था, एक SDO भी आए थे। अब बाबू जो है, उससे मैंने पूछा कि जब रेलवे ने जो आवंटन किया था 4 हेक्टेयर भूमि आपको छटीकरा रेलवे स्टेशन, उसके कागज कहाँ है, तो बता रहा है मौखिक आवंटन हुआ था। आश्चर्य है कि उस मौखिक आवंटन पे 85 लाख का बजट भी आवंटित होकर आ गया, ड्रा हो गया, डिसबर्स हो गया बजट इनके खाते में। और उसके बाद फिर मैंने पूछा कि जमीन आपने जो 3 स्थानों पर उन्होंने आवंटित किया है रेलवे ने, तो कोई रजिस्टर्ड डीड से किया है, क्योंकि अचल संपत्ति जब भी अंतरित होती है तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चाहे रेलवे पट्टा करेगा या विक्रय करेगा किसी भी तरह या दान करेगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट है।
तो कोई इनके पास केवल एक रेलवे का लेटर दिखा दिया हमें कि वही लेटर है। उस लेटर में ये भी लिखा है कि 2200 पेड़ लगाए जा चुके हैं। मैंने पूछा तो कह रहे ये गलत लिख दिया है, 2200 पेड़ नहीं लगे हुए हैं। फिर मैंने उनसे कहा 85 लाख का एस्टिमेट मांगते रह गए, वो लाकर नहीं दिए। कहे हम शाम को भेज देंगे, परसों भेज देंगे, कल भेज देंगे, करते रहे नहीं दिए। व्हाट्सएप अंत में किए, बहुत इंतज़ार करें, बहुत ओरल काफ़ी प्रयास करने के बाद तब जाकर हमने जो है लिखित में ये रिपोर्ट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा को आगरा के इस वन्य कार्य के लिए नोडल ऑफिसर नामित किया गया है। तो बतौर नोडल ऑफिसर हमने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को इस गोलमाल की पूरी जानकारी दी है कि वहाँ रिटर्न में कोई आवंटन नहीं हुआ, इसके बावजूद खुदाई प्रारंभ कर दिए, बजट भी आवंटित हो गया और एक पेड़ पे 17,000, नीम का पेड़ कहीं भी आप लगाने जाइए 17,000 खर्चा कहीं नहीं आएगा। दूसरे ऊसर है ज़मीन या ककरीली पथरीली है तो इस संबंध में भी वन विभाग द्वारा CEC अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया, न इसके लिए कोई अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। वो गड्ढा खोदने, बाड़बंदी करने और खाद डालने, इन्हीं सबका 17,000 रुपया एक पेड़ पर कीमत लगाकर भेज दिए हैं। मैंने तो यहाँ तक लिखा है कि भाई रेलवे को ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह दे तो वो अपने पास जो उनके पास मद होगा उसी में 5,000 पेड़ लगवा देंगे बड़े आराम से अपनी ज़मीन पर। ये इतना ज़्यादा कसरत करने की ज़रूरत इसमें नहीं थी। तो फिलहाल मौके पर एक भी पेड़ नहीं लगा हुआ है। अपर जिला जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि निरीक्षण के दौरान गोलमाल देखने को मिला है, इसकी जांच कराई जाएगी। DFO से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन वह बात करने को तैयार नहीं है। ऑफिस का बाबू किसी भी तरह के कागजात नहीं दिखा पाया। बाबू ने ADJ से कहा कि मौखिक हुआ है, 85 लाख रुपए का बजट मौखिक कैसे हो गया, यह जांच का विषय है। ADJ ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखा है। C News के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।